20 minutes later. रेड और एक ग्रीन, ग्रीन वायर हमेशा कहीं का रहता है? अर्थ का। और ये काई से कनेक्ट होता है? बॉडी से। बॉडी से। बॉडी में यदि करंट लीक होता है तो इसके माध्यम से वो अर्थ में चले जाता है ना, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर इसको ऑपरेट करता है तो उसकी सेफ्टी हो जाती है, है ना। और ये रेड वायर कहीं का रहता है? फेस का। और ये ब्लैक? न्यूट्रल का। अब फेज और न्यूट्रल अपन इसको सप्लाई देते हैं, तो फेज वायर अपना कहाँ जा रहा है? ये अपना फेज सबसे पहले कहाँ गया है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से फिर ये निकल के किधर गया है? ये अपना इलेक्ट्रोड रॉड को, है ना जी सर। अब इसमें यहाँ से फेज को इन्होंने क्या जंप करके किसको दिया है? इंडिकेटर। इसका मतलब इसमें अगर सप्लाई आएगी तो ये इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा कि अपना ये ऑन हो गया। इसको फेज को यहाँ से न्यूट्रल, अब इसको न्यूट्रल भी चाहिए तो अपना न्यूट्रल कौन सा वायर है? ये ब्लैक वाला, है ना। ये ब्लैक अपना यहाँ पे गया, यहाँ से दो न्यूट्रल जंप करे और दोनों एलईडी को क्या कर दिया? न्यूट्रल दे दिया। और इसको फेज कहाँ से दिया? इस माध्यम से, थर्मोस्टेट के आउटपुट से, है ना। तो ये थर्मोस्टेट के क्या है? सीरीज में लगा है। जैसे ये फेज जा रहा है और बाहर निकल रहा है, और यहाँ से फेज निकल के ये रॉड को गया है। अब ये रॉड को क्या है? फेज कहाँ से मिला? इधर से, ये थर्मोस्टेट से। और न्यूट्रल अपने को यहाँ से डायरेक्ट मिल गया। अपन ने यहाँ से न्यूट्रल दोनों एलईडी को दे दिया और एक फेज निकाल के यहाँ से रेड वाले को दिया है। हाँ। और ये थर्मोस्टेट को सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसका अपने को कहाँ से मिलेगा? ग्रीन से। ग्रीन एलईडी चलेगी तो इसका मतलब थर्मोस्टेट भी चालू है, और अगर अपना सप्लाई चालू है तो ये रेड जलेगा, है ना। अब ये थर्मोस्टेट का क्या काम रहता है? इससे अपन टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे अपने को क्या चाहिए कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है, 60 करना है, उस पर सेट कर दो। सेट कर दो। इससे ज़्यादा अगर ये गर्म होती है तो ये कट ऑफ हो जाएगा। अपना पानी 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर ये ख़राब होता है या इसको आप बहुत ज़्यादा सेट कर दोगे तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे आपको कुछ खतरा हो सकता है जलने का, है ना। तो ये था थर्मोस्टेट, ये आपका गीजर की वायरिंग का सर्किट अपन ने इसमें प्रैक्टिकली देख लिया। अब ये है इसकी बॉडी। अब बॉडी में कभी कभी क्या होता है, लीकेज आ जाता है अपनी रॉड में, तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी टच हो जाता है। तो बॉडी को अगर कोई व्यक्ति टच करता है तो उसको गहरा शॉक लग सकता है। इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं? अर्थिंग बॉडी से, और इस अर्थिंग वायर को निकाल के अपन घर की जो अर्थ टर्मिनल है उसमें थ्री पिन में लगा के सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। चलो।